You will be there. You can. Men and women have to be equally getting all opportunities. वो कहते हैं ना सपना कभी आपको सोने नहीं देता, वो होना चाहिए. अगर आप अपने पैशन को उस हिसाब से फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए कोई रोक सकता है. वी नीड टू प्लान. हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. अपने पे भरोसा रखिए और अपने माता पिता के साथ कन्वर्स करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है. चैलेंज से ही हम चेंज लेके आ सकते हैं. सो डू एक्सेप्ट द चैलेंजेस. देखिए चूज टू चैलेंज सोमवार 8 मार्च को साए 6 बजे से डीडी भारती पर, और इसका पुनः प्रसारण होगा मंगलवार 9 मार्च को सुबह 10:30 बजे डीडी नेशनल पर. तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ राजनीति करना है या राजनीति के माध्यम से कुछ करना. देखिए मेरी कहानी मेरी जुबानी डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, log on to ddnews.gov.in. Switch to DD India now. मैं ऐसा मानती हूँ कि जब बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि मुझे राजनीति करना है, तो मैं उनसे सबसे पहले पूछती हूँ राजनीति करना है या राजनीति के माध्यम से कुछ करना है. देखिए मेरी कहानी मेरी जुबानी डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में. नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल प्रोग्राम. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. महिला दिवस के अवसर पर वी सेलिब्रेट विमेन एंड देयर अचीवमेंट्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और सोसाइटी. एंड वी आर डिलाइटेड टू हैव ऑन आर प्रोग्राम टुडे फॉर वेरी स्पेशल विमेन हु आर पार्लियामेंटेरियंस एंड दे रेज the voice for the cause of women at the highest platform in our country. I'm also delighted to have as my co-host a very fiery and feisty young lady who talks about women's issues on various platforms, Shaina NC. Namaskar. Shaina, why don't you introduce the panel?
तो सबसे पहले आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आई थिंक इट्स वे बियॉन्ड एनी पार्टी पॉलिटिक्स, तो मैं पार्टी का नाम भी नहीं लेने वाली हूँ. अमी याग्निक जी जो है मूल रूप से गुजरात की, राज्यसभा की सांसद है. अपराजिता सारंगी जी, मैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि आप हैं बिहार की लेकिन आप लड़े चुनाव ओडिशा से और लोकसभा की सांसद है. दो युवा नेत्री, प्रियंका चतुर्वेदी जो हमारे प्रदेश महाराष्ट्र की हैं और राज्यसभा की सांसद है, और अनुप्रिया पटेल जो लोकसभा की सदस्य है और उत्तर प्रदेश से. तो एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ गुजरात, एक तरफ ओडिशा, और मूल रूप से एक भारत का जो कॉज है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला को महिला का समर्थन करना चाहिए, पुरुष को महिला का समर्थन करना चाहिए. और इतने सारे मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए हमारे सांसद जो बैठे हैं लोकसभा में हो या राज्यसभा में, दोनों को उजागर करने के लिए आज का ये प्रोग्राम का लक्ष्य है. आयशाइना, क्योंकि हम पार्लियामेंटेरियंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहला सवाल तो यही उठता है कि पार्लियामेंट में जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उन्हें किस तरह की आवाज़ मिलती है और कैसा प्लेटफॉर्म मिलता है. बहुत ही संक्षेप में, और फिर मैं चाहती हूँ कि सभी पैनलिस्ट भी अपनी टिप्पणी करें, लेकिन इन द 17th लोकसभा वी हैव ओनली 78 women parliamentarians in the Lok Sabha, and if you look at 2014 we had a strength much less, from 11% to 14% plus is hardly a jump. And having said that, if we represent 50% of the electorate, I think the time has come for us to go beyond tokens. It's great to have young parliamentarians, seasoned professionals who are entering politics, but the cause of women needs to be highlighted, and that's why I think even a 33% reservation is less. But the rest, I think we can ask the experts sitting here to discuss with us, and of course the parliamentarians to specify what they think are the core issues. So the first question, I think we should start from Ami Bain and move this way, is that आपको क्या लगता है ये कौन से मुद्दे हैं जिनको उजागर करने की आवश्यकता है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ आज नहीं लेकिन 365 दिन के लिए कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है सक्रिय रूप से पार्लियामेंट में उन मुद्दे के लिए फर्क पड़ सकता है? देखिए, पहले तो जब हम महिला की बात करते हैं और एक दिन सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब लगता है हम सारे मुद्दे की बात करते हैं, फिर कहीं ना कहीं ये मुद्दे खो जाते हैं और वो रोज ब रोज की जिंदगी में नहीं रहते हैं. और उसके सामने आप देखेंगे, इफ यू कंपेयर, तो रोज ब रोज डेली देयर आर इश्यूज व्हिच वुमेन फेस, वेदर दे आर एट होम, दे आर एट वर्क प्लेस, दे आर इन पब्लिक स्पेसेस, और मे बी दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन डिग्निटी एट इंडिविजुअल लेवल और इन अ कलेक्टिव वे. सो वुमेन्स इश्यूज आई थिंक आर टुडे एट द फोरफ्रंट. We speak of these issues only on Women's Day, which should not be the way if we want to bring empowerment to women. Women, जैसे मैंने इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है women के मुद्दे पहले काफ़ी simple है कि पहले तो उसको dignity चाहिए कि भाई मुझे हर जगह मेरा मान सम्मान बना रहे, चाहे वो कहीं भी हो. दूसरा एक ये है कि मुझे सेफ्टी चाहिए, कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम करूं जहां मुझे थोड़ी मैं सुरक्षित सुरक्षा महसूस कर सकूं. और तीसरा मुद्दा ये है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूं, आराम से डिग्निटी से मैं अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करूं. इन तीनों में आपको फैमिली भी लानी है, आपको उसका 50% जो वर्क है, 50% पॉपुलेशन वो भी देखना चाहिए कि इतना सारा वर्कफोर्स है तो क्या उसका वर्कफोर्स का उसको मिलता है रिटर्न. और दूसरा कि उसको हमें ये भी मुद्दा लेना चाहिए कि इज शी वेल, इज शी हेल्दी, इज शी बीइंग लुक्ड आफ्टर वेल, और डज शी लुक आफ्टर हर सेल्फ वेल. तो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आज ये है कि आप कोई भी मायना ले लो, वेदर यू टेक अंडर नरिश्ड, माल नरिश्ड, मैटरनल मोर्टेलिटी, और यू टेक women getting in jobs, ये सारे मुद्दे मुझे लगता है as parliamentarians or as empowered women हमें लेना चाहिए. This is very well put what you said, लेकिन इससे जो ये बात आती है कि हमें ये rights कोई दे, इसकी क्या ज़रूरत है? Is it time for women to now stand up and raise their own voices? What do you say about that, Apirajiti? See, I would first
tell you that the definition of empowerment of women is freedom of choice. Very right. Yes. See, the woman should be able to live her life on her own terms. She should be able to take her own decisions, and she should not be dictated by others. She would take into account the views and the opinions of others, but I would definitely like to mention here that she should be the last word as far as her affairs are concerned. So I think for me, this is the definition of empowerment of women. An empowered woman is such who has complete control on her life. That's it. Now, having said that, let me tell you that the society will definitely create a facilitating environment for ensuring this empowerment. But at the same time, unless and until the woman decides to come forward, the woman actually taps her potential, the woman looks within and takes out the talent which is which is lying embedded within her, she will not be empowered. In fact, you know, this spoon feeding cannot be done if we really want empowered women. But yes, the society, people like us, you know, those who have reached a certain level, I think we all are there to have a kind of facilitating environment created for them. Taking that statement forward, what is it, Priyanka, that you think you can do in Parliament to visibly make a difference to all the women in India? No, I think what she was speaking about, freedom of choice, is one very important factor. And when you have a freedom to speech added to it, and where your views are respected, you can make a hell lot of a difference. And that is when I think a woman who is in the Parliament should use that platform to be able to speak for the cause of their gender. I continue to say it is about the gender above your politics. And Shaina, you are a living example of that. I must say that. You've lived beyond your politics and you've spoken for your gender. And that becomes very important. What I have seen, and it discourages me a bit, is that yes, we take pride in the fact that we moved from 11% representation to 14%. Today in the Parliament, I made a case for when we talk about 50% population, why can't we have 50% representation in the Parliament? But the same way, even if we are at 14%, we do not have a collective voice. We are so embedded in our own politics that we refuse to rise above our politics to speak about our gender and make a cause for it. Only when we rise above that, even inside the Parliament, when we make it about gender first, politics later, then we see, in the true sense, we see women being represented in the Parliament, women being represented in the assemblies. I'll just make one quick point, I'll say it in Hindi. मैंने एक बात कही थी कि तीन सर पे महिलाओं के अधिकार तीन सर पे डिपेंड करते हैं, आपका समाज, आपकी संगठन, राजनीतिक संगठन, और संसद और सदन में आपको किस तरीके का सम्मान मिल रहा है. अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, जहाँ पे महिला जब शुरू से अपनी करियर चॉइसेस करती है, तो समाज शुड नॉट लुक डाउन अपॉन राजनीति. जब वो विचार कर संगठन में आती है, तो संगठन को ये उसको फीलिंग नहीं देनी चाहिए कि तुम एक ही पर्पस सर्व कर सकती हो, अगर तुम कुछ और एम्बिशन दिखाओगी तो हम उसको ख़त्म कर देंगे. तीसरा होता है संसद और सदन में, जब वो आकर अपना पक्ष रखती हैं और दूसरी महिलाओं की बात करती हैं, मैं मानती हूँ वो समाज को सशक्त बनाती हैं और समाज को मजबूत करती हैं. ये मेरा मानना है. अनुप्रिया जी, एक तरफ हम कहते हैं कि शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर रहना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि हकीकत में महिला महिला का समर्थन करती है? देखिए, ये सच है कि महिलाओं के सशक्तिकरण को अगर हम पूर्ण रूप से समझना चाहें तो उनका शैक्षणिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और इसके साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से, ये तीनों पिलर्स मजबूत होने चाहिए. जहाँ तक महिलाएँ महिलाओं का समर्थन करती हैं ये विषय आपने उठाया, तो मुझे लग रहा है कि जितना ज़्यादा हमारी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, पढ़ी लिखी हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, उनके अंदर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता भी आ रही है और अब महिलाएं एक दूसरे के साथ खड़ी होती भी नज़र आ रही हैं. यहाँ पर एक विषय ये भी है कि जब हम विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या एजेंडा होते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है वो ब्लैक ऑन वाइट नहीं होती है, उसमें हमेशा ग्रे के शेड्स होते हैं. तो इसलिए हम आज उस स्टेज पर पहुंचे हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हुए भी वी आर टॉकिंग अबाउट वीमेंस राइट्स, मे बी एट टाइम्स वी माइट गेट यू नो डाइवर्टेड बिकॉज ऑफ आर इंडिविजुअल पार्टी एजेंडाज, बट एट द सेम टाइम यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स
coming to a common consensus. And you would feel that, you know, subsequent governments are getting more and more conscious and aware about formulating policies and coming up with schemes which contribute towards health and better nutrition for women, better dignity for women, their educational empowerment, and also their economic self-reliance. Governments are working towards it. And I would add to this that every social change begins with our own individual families. So if you do not change the equations within your own family, we will not see a change in the larger picture. So when we talk about, as Aparajita ji said, you know, a woman must have a choice over the decisions that she takes about her own life. So every Indian family has to change, and it's a long way to go. There is a small section of the families wherein girls now have this freedom of exercising full control over their lives. But not every Indian family is like that. So we have to move towards that change wherein people start respecting women in their families, which means they start giving importance to what a woman thinks about a particular issue. They also start respecting her own emotions, and they also, you know, start respecting the fact that a woman has to exercise right over her own life. She has to have that freedom of making her own decisions and being in control of her own life. So everything has to begin from our families. If we start changing the equations within the family, gradually we will see there'll be a change in the society. And where are the people in the parliament drawn from? Or where are the people in the administration drawn from? Where are the people in the media and judiciary drawn from? We all come from individual families. So let's strive and let's, you know, resolve to make a change in the family, and we will see a subsequent and consequent change within our system, which includes our parliament as well. I think that's very well said. अपराजिता, एक तरफ बोलते हैं कि महिला तो लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, और दूसरे तरफ आप देखते हैं कि इतने जगह पे अभी भी एक नज़रिया है एक महिला को देखने, और ख़ास तौर से राजनीति में, कोई किसी की बेटी हो, कोई किसी की बीवी हो, कोई परिवार से आए या फिर कुछ ऐसा हो, फिर आगे बढ़ते हैं. तो जो आपको अपने बलबूते राजनीति में ख़ास तौर से ये दर्जा चाहिए, कोई इफ यू वांट टू अराइव एट दैट स्टेटस ऑन योर ओन एंड यू हैव बीन अ लिविंग एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक इज द की मंत्रा? देखिए, ऐसा है कि आत्मविश्वास की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है एक सकारात्मक वातावरण की जरूरत है. और अगर हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ महिलाओं पर ही यह निर्भर करता है, इस पूरे समाज पर निर्भर करता है, सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है. तो मुझे लगता है कि समाज का एक सकारात्मक अप्रोच हो, सकारात्मक वातावरण की सृष्टि हो समाज में, और समाज कहे कि हमें महिलाओं को उठाना है, और एक, जैसा कि मैंने कहा, एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट की सृष्टि हो. और मुझे लगता है कि अगर फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट हुआ और हमने अगर एक हाउसहोल्ड पर अपनी नज़र केंद्रित की, एक घर पर नज़र केंद्रित की, तो यात्रा वहाँ से शुरू होती है. तो मुझे लगता है कि अगर एक सकारात्मक माहौल एक घर में है, और अगर लड़का भी पढ़ता है तो लड़की भी उतनी ही पढ़े, और किसी भी तरह का पक्षपात ना हो, तो मुझे तो लगता है कि वहीं से यात्रा की शुरुआत हो गई. तो आई थिंक एंड एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी इन द पार्लियामेंट आर कंसर्न्ड, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन हियर दैट इट ऑल बॉइल्स डाउन टू टैलेंट ऑल्सो. सी, लेट अस नॉट जस्ट से दैट वीमेन नीड्स देयर राइट्स, वीमेन नीड देयर राइट्स, यू नो. Let's talk of our duties also. I would bring two things together. Duties in the sense that we also need to kind of build ourselves from within, right? But talent comes only with opportunity. Absolutely. So that's what I'm coming to. That's what I'm coming to. I'm saying the society must create that facilitating environment. Opportunities must be given to the women. But at the same time, women also have to take that decision, and women also have to come up. We women in the parliament must be the facilitating factors. And I'm telling you, in the parliament, within the parliament, within the Lok Sabha, I don't think, as a woman, I'm very new to politics. I'm just 2 years old in politics. I have come from bureaucracy, so I didn't know what politics was all about and what is there to sit in the Lok Sabha and, you know, and to try to answer questions. But the fact remains that I don't feel there is absolutely any kind of prejudice against women parliamentarians in the Lok Sabha. That's my feeling.
if you are well equipped, if you have grip over your subject. I'm not talking about parliamentarians, then I think society at large. Absolutely. So it's the first step getting into these parliaments. Right? I understand that. That's See, the journey is on. Definitely the journey is on. And I would have, I'm a very, I would say have a positive mindset. I think most of us have that. Things are improving. Things are improving. There was a time when I was part of the bureaucracy, I can tell you, give you the examples. There was a time when the sarpanch patis would come and talk on behalf of the women sarpanches. And I would drive them out. That, you know, the woman has to talk. But I think things are changing now. Now that we have become parliamentarians in the Lok's, in the constituency, when I sit, I think the women are quite vocal now. Thanks to the efforts of the society, of the government, I think things are improving. But yes, sky is the limit. We have to achieve a lot. But I think we are on the right track. All of us are moving towards that goal. I want to ask you, एक तरीके से तो ये सच बात है कि विमेन पार्लियामेंटेरियंस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी बात लेके आती हैं, पर इसका रिवर्स भी है कि आपके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप बहुत से, आप मतलब एक एक पार्लियामेंटेरियन चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बहुत से चेंजेस ला सकता है. तो ऐसे में पार्लियामेंटेरियंस क्या करते हैं ताकि उस चेंज की कहीं शुरुआत हो, कहीं बीज पड़े? देखिए, पहले तो हमारी महिला को इतने सारे अधिकार दिए हैं, इतनी सारी सरकार की योजनाएं हैं, इतनी सारी पॉलिसीज हैं जो वेमेन के लिए स्पेशली बनाई गई है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम में हो, या तो एजुकेशन सिस्टम में हो, या तो कोई और सिस्टम में हो, इवन लेट अस टेक फॉर एग्जांपल बिजनेस, तो एंटरप्रेनर्स के लिए. पर हाउ मेनी वेमेन नो, कितनी महिला को ये पता है? अगर आप जैसे इन्होंने बताया कि भाई सरपंच पति आता था, तो व्हेन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम, तो लोकल लेवल पे महिला मिलती नहीं थी कि जिसको आप लोकल बॉडी में ले सके. आज जब महिला बैठती है, मैं जब कोई गांव में जाती हूँ और हम लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वो खुद आके बोलती है कि मैंने यहाँ ये बोरीबंद डैम का मैंने प्रतिबंध किया था, क्योंकि हमारे वहाँ कोई भी कुएं में पानी नहीं आता था. तो मैंने ये समझा, सीखा और मैंने किया. इट टुक ईयर्स, बिकॉज हमारा जो ये आया जब लोकल पंचायती राज में विमेन को लाने का, इट इज़ दी ओनली डिसीजन विजन विच हैज़ हैपन्ड इन इंडिया, यू विल नॉट फाइंड इन एनी अदर कंट्री, कि विमेन को आप नीचे लेके आओ, वो सरपंच बने, वो कोई डिसीजन ले, तो उसको इतना अच्छा लगता है कि मेरे गांव के लिए मैं कर रही हूँ. पर कितनी महिला को आज पता है कि इसको इतने अधिकार संविधान ने दिए हैं, और ये अधिकार की तहत वो इतना कुछ कर सकती है. तो वो एज अ पार्लियामेंटेरियन हम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले जा सकते हैं. और मुझे तो लगता है पार्लियामेंटेरियन की कॉन्स्टिट्यूएंसी, और स्पेशली अ वुमन पार्लियामेंट्री की, पार्लियामेंटेरियन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है विमेन ऑफ ऑल द स्टेट्स, विमेन ऑफ द कंट्री. आप कहीं भी जाके विमेन के अधिकार के बारे में बता सकते हो कि भाई आपको इतना इतना दिया है, आप जरा कोशिश कीजिएगा, घर के बाहर एक पैर रख के आप इतनी हिम्मत बताइएगा, और आपके इतने अधिकार है. तो विमेन के लिए पार्लियामेंटेरियंस का बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी बन जाती है कि दे कैन टेक दिस इश्यू, दिस पॉलिसीज एट योजनास एट द लोकल लेवल, बिकॉज गवर्नमेंट हैज मेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ inroads for this kind of exercise of rights. तो ये कर सकते और ये हम ही कर सकते हैं. हम जाएंगे और बताएंगे. How successful are you at doing this? I think I have been quite, I wouldn't say successful, but I have been happy to say कि जब मैंने शुरू किया था तब ऐसे सरपंच बाहर आते थे पति और कहते थे नहीं आज तो महिला नहीं आएगी मीटिंग में, वो घर में है, आप जो बताना है हमें बताओ. तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम जाके सरकार को कहेंगे भाई और तीन चार महिला भी हैं गांव में, उनको बना देते हैं. फिर सोच के वो आते 15 मिनट के, नहीं नहीं वो आएगी अभी बाहर तो सविता बहन आके बात करेगी. देन दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. पर कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, जिसके पास कोई पावर है, एम्पावर्ड वुमन है, वो जाके ये बताएगी, तो मुझे लगता है वी कैन डेफिनेटली डू वंडर्स. तो आई हैव बीन हैप्पी डूइंग लीगल अवेयरनेस एट द मोस्ट ग्रासरूट लेवल, सिटिंग अंडर अ ट्री एंड देन टेकिंग अप दिस इश्यूज एट द हाईकोर्ट लेवल और एट अ लेवल वेयर वी कैन ब्रिंग सम रिजल्ट. टाइम लगता है बट डेफिनेटली इट हैपेंस. इनफैक्ट शाइना, वी बीन हियरिंग अबाउट इन न्यूज़पेपर्स एंड ऑल्सो ऑन टेलीविजन अबाउट बहुत यंग 21 साल की सरपंच है जिसके ये दो उदाहरण भी है. हाँ. पार्लियामेंट पहुंच गए, इनका भी उम्र कम है, इतनी भी यंग नहीं हूं, पर हां फॉरएवर 21 माइंड में.
नहीं बट आई वांट टू आस्क अनुप्रिया जी, क्या आपको लगता है एक इनसिक्योरिटी है पुरुष में, और खास तौर एक स्टीरियोटाइप, ये महिला है तो पहले आपके बच्चे को संभालो, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो एक स्टीरियोटाइप माइंडसेट होता है वो आपके बच्चे को कौन संभालते हैं, इसके आगे कोई नहीं पूछता है कि आप कैसे मल्टीटास्क करते हैं, कैसे आपने सब चीजों को संभाला है। और ये सवाल प्रियंका और अनुप्रिया जी दोनों के लिए है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो पेट्रियार्कल है, और इतने सदियों से जो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में है उसे हम एक झटके में बदल देंगे ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसा भी कहना उचित नहीं होगा कि समय के साथ पुरुषों की मानसिकता में बदलाव नहीं आया है। देयर आर मेन हु रियली सपोर्ट देयर वाइफ्स, देयर आर मेन हु हैव चेंज देयर माइंडसेट्स एंड हु बिलीव दैट वुमेन आर इक्वल पार्टनर्स इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ये सच है कि हम महिलाएं, क्योंकि मैं भी, but is that valid with male politicians is the question. No, but I'd like to मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डालूंगी। अभी भी बहुत सारे मेल पॉलिटिशियंस हैं जो महिलाओं को उसी दृष्टि से देखते हैं, दे के नॉट एक्सेप्ट महिला को अपने कॉलीग की तरह, वो महिला को महिला ही समझ के देखते हैं, वो उसे एमपी या मिनिस्टर ऐसे नहीं देखते सही, हैं सही। लेकिन बहुत सारे मेल्स हैं जिनका नजरिया अब बदल चुका है, वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, ड्यू रिस्पेक्ट, जो आपकी पोजिशन की रिस्पेक्ट है एज अ पार्लियामेंटेरियन या एज अ एमएलए या एज अ ब्लॉक प्रमुख या एज अ सरपंच, आपके पद की गरिमा के अनुरूप जो आपको इज्जत मिलनी चाहिए बहुत सारे पुरुष अब देने लगे हैं। फिर भी हमारे सोसाइटी में एक ऐसा तबका है जिसकी मानसिकता से अभी भी हमें संघर्ष करना है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहती हूँ आपको, कभी भी सुनने में हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम सब महिलाएं हैं, कभी भी किसी महिला के साथ अगर किसी कोने में दुष्कर्म की घटना हो जाए, सबसे पहले कुछ ऐसे बुद्धिजीवी विद्वत जन निकल कर आते हैं जो कहते हैं कि अरे महिलाओं का आचरण शालीन होना चाहिए, महिलाओं का पहनावा शालीन होना चाहिए। तो ये ऐसा जो माइंडसेट है वो अभी एग्जिस्ट करता है। ऐसे विद्वत जन जो आते हैं ना, उनको हमें प्यार से समझाने की जरूरत है कि महिलाओं को शालीन आचरण, शालीन पहनावा की परिभाषा बताइए, साथ में ये भी समाज को बताइए कि हर परिवार में बेटों को भी लक्ष्मण रेखा बतानी चाहिए कि आपकी ये लक्ष्मण रेखा है। महिलाओं के प्रति शालीन दृष्टि क्या होती है, महिलाओं के प्रति शालीन व्यवहार क्या होता है, महिलाओं के प्रति शालीन भाषा क्या होती है, आप भी सीखिए। तो ये शालीनता का पार्ट दोनों तरफ जब पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारा समाज जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ेगा और हम एक बेहतरीन समाज बनाएंगे जहां पुरुष और महिला साथ साथ मिलकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए काम करते हैं। यानी हम बात जब करते हैं महिला सशक्तिकरण की, उनकी एजुकेशन की, असल में कहीं हमें शुरुआत लड़कों के, जो मेल चाइल्ड है, उसकी एजुकेशन से करनी है, ताकि वो समझे कि वो जिस समाज में रह रहा है वहाँ महिलाओं को क्या दर्जा देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, इसीलिए मैंने पहले भी जब अपनी बात रखी तो मैंने कहा कि हमारे परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। विद इन द फैमिलीज, इनसाइड आवर हाउस होल्ड, वी हैव टू टीच आवर सन्स हाउ टू ट्रीट, यू नो, अ फीमेल कॉलीग, अ फीमेल स्टूडेंट, अ फीमेल क्लासमेट, अ गर्ल हु स्टडीज विद देम, देयर ओन मदर, सिस्टर, एवरी वुमन इन द फैमिली। मैं तो इसमें इंक्लूड करूंगी कि काम करने वाली अगर एक महिला भी हमारे घर में है तो उससे भी कैसे पेश आना है। और ये हम बेटों की ट्रेनिंग, थोड़ा प्रशिक्षण शुरू करें, अभी तक हम सिर्फ बेटियों को संयम सिखाते हैं, हमको बेटों को भी सिखाने की जरूरत है। अंततः देखिए, यदि हम में से किसी की भी बेटी या हम में से कोई महिला अगर रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक असुरक्षित है तो उसका कारण किसी ना किसी माँ का बेटा ही तो है। तो बेटों को हम सही सोच क्यों ना दें, तो ये सोच की शुरुआत हमें अपने घरों से करनी है। और हमारे साथ गोमती साई जी जुड़ गई हैं, आपको हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे लगता है कि गोमती साई एक जीवित उदाहरण है जी, जो पंचायत से आई है पार्लियामेंट और ट्राइबल एरिया को रिप्रेजेंट करती है, और सही मायने में जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भारत का एक प्रतीक शायद गोमती साई जी हैं, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल, स्वागत आपका, आप सबका, सॉरी, आप सबको मेरा नमस्कार। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही थी और फिर गोमती जी से। शाइना जी, आपने एक बात कही थी कि हम पुरुष जो हैं वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं,
पर मैं कहूँगी इंडिया में जो भी फार रीचिंग पॉलिसीज आई, राजीव गांधी जी ने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाए एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो समाज, ये जो तबका है जहाँ पे महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की जाती हैं, ऐसी बातें की जाती हैं, वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो हमारे एम पीज इलेक्ट होकर आते हैं वो भी समाज, इसी समाज से जुड़ कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ अगर चेंज लाना है, अब मैं आपको बीजेडी का उदाहरण दूँ, ओडिशा से आप हैं, बीजेडी का उदाहरण दूँ, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ही कहा है कि हम महिलाओं को 33 से 50% हम रिजर्वेशन करेंगे उनके लिए, उनको सीट्स वो लोकसभा में जाकर, आज लोकसभा में आंकड़े जो बड़े हैं ठीक है, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को लेकर बड़े हों, जिस कारणवश बड़े हों, पर कुछ राजनीतिक पक्ष जो पुरुष लीड कर रहे हैं उन्होंने भी ये लीड लेकर कहा कि 33% में हम अपनी महिलाओं को देंगे, ओडिशा की महिलाओं को देंगे कि वो जाकर हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा में जाकर करें, तभी आंकड़े बड़े हैं। तो शुरुआत जैसे ये कह रही हैं कि अपने घरों से करें, आदमी भी बार बार आकर कहते हैं कि महिलाओं को आना चाहिए, सम्मान देते हैं, पर हाँ जब वो उनके स्पेस को एनक्रोच करती हैं कहीं ना कहीं एक पुशबैक ज़रूर होता है, और वो पुशबैक किस तरीके से होता है, चाइना जी ऑल्सो विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ, कैरेक्टर असैसिनेशन से होता है, महिलाओं को उनकी जगह दिखाने की कोशिश की जाती है, महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। पार्लियामेंट में जब 33% रिजर्वेशन की चर्चे हुए थे, कौन से ऐसे उदाहरण नहीं सामने आए थे जहां पे महिलाओं को परकटी ये सब कहा गया था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, भी बातें हुई हैं। हाँ। तो ये अब जब पुशबैक आता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, और खास करके हमारी महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम एकत्रित होकर एक आवाज में हम ऐसी महिलाओं के लिए रास्ता बनाएं, हम तो लड़ झगड़ कर हमने अपनी जगह बना ली, उनके लिए रास्ता बनाएं जो आने वाली सदी है। इनफैक्ट शाइना यू विल एग्री विद मी, ज़्यादातर क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो बातें होती हैं वो ठीक है, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पर जो मेल पॉलिटिशियंस हैं या वैसे भी मेन इन पावर, वो महिलाओं के लिए कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब ये बात होती है कि लड़कियां घर से बाहर ना जाएं, तो लोग ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि लड़के अपना संयम बरतें और लड़कियों को एक सुरक्षा का माहौल दें, ये उन्होंने लाल किले से कहा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का ये एक बयान इतना बड़ा था क्योंकि वो सही मायने में एक मैसेज था कि आप आपके बेटे को पूछिए, बेटी को मत पूछिए, और नजरिया ही बदल जाता है। जब कोई भी नेता हो, जब वो ऐसा एक स्टैंड लेते हैं, तो आई थिंक दैट टॉप लीडरशिप इट परकुलेट्स डाउन टू द लोएस्ट ऑफ लो। हमने बार बार चर्चा की है कि नेता और नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति, लेकिन वो नेता जो महिला को सम्मान दे, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। और अपराजिता जी, जो आप इस पे कुछ कहना चाहें, और फिर गोमती जी से रूरल एस्पेक्ट से बात करेंगे। आपने बहुत सही बात कही, प्रधानमंत्री जी का वह संदेश मुझे लगता है सबकी मानसिकता में परिवर्तन लाने वाला संदेश था। ट्रिपल तलाक बिल की बात लें आप, मैं जब आपसे बात कर रही थी मुझे अचानक याद आया, जब ट्रिपल तलाक बिल को लेकर लोकसभा में बहस चल रही थी, और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे मेरी पार्टी की तरफ से कहा गया था उस पर बोलने को, और 45 मिनट तक मुझे समय भी दिया गया था। उसके बाद ट्रिपल तलाक को हम लोगों ने मिलकर हटाया, तो मुझे लगता है कि जो मैंने सकारात्मक समाज के निर्माण की बात मैंने कही, इस दिशा में संसद, इस दिशा में जिला स्तरीय कमेटी या राज्य स्तरीय कमेटी, प्रशासन, शासन, हम सब का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारी सब की बहुत अहम भूमिका है। तो मुझे लगता है कि एक हम सबको मिलकर एक सकारात्मक वातावरण की सृष्टि करनी होगा। अगर आप मुझे पूछें कि महिलाओं के लिए, मैं उड़ीसा की बात करती हूँ, जितना भी अल्प तजुर्बा मेरा है प्रशासन के क्षेत्र में और अभी 2 साल से राजनीति में, मैं कहूँगी कि 4 मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, तीसरा है सुरक्षा और मर्यादा रक्षा, और चौथा है आर्थिक सशक्तिकरण। तो मुझे लगता है कि इन चारों पर अगर हम ध्यान दें, और जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, जैसा कि बेन जी ने कहा अभी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं अगर हम उनकी सुपरिचालना करें, अगर ढंग से उन्हें कार्यान्वित करें, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है, और जो हम चाहते हैं वो होगा। तो लेकिन जैसा कि हमने कहा, हम सब ने कहा, अनुप्रिया जी ने कहा, हम सबको देखना है कि हाउस होल्ड ही यूनिट हो, सारी क्रांति का जो केंद्र है, जो फोकल पॉइंट है, वो घर है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने।
और बिल्कुल ग्रास रूट्स की जो बात है वो गोमती साई जी आपसे सुनेंगे कि उस लेवल पर खासतौर पर आदिवासी महिलाएं जो हैं, जो हमें लगता है कि एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन सोसाइटी में उनकी एक अपनी जगह है, तो उनके बारे में बताइए कैसे वहाँ काम हो रहा है। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं कि एक्चुअली मैं ग्रामीण महिला जो एकदम निचले छोर तक जो जीवन यापन करते हैं उस महिला लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है, लेकिन आज गांव के महिला भी शिक्षा में अब आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा जब तक नहीं रहेगा तब तक महिलाएं ग्रोथ नहीं कर पाएंगी, बाहर नहीं निकल पाएंगी। ये बहुत अच्छी बात है। आज महिला सशक्तिकरण दिवस में आज एक प्रोग्राम रखा गया है और मैं पूरे देश के महिला लोगों को संदेश ये देना चाहती हूँ कि महिला जब चाहें ठान लें, इच्छा शक्ति बढ़ाएं कि मुझे वो काम करना है, तो एक्चुअली में जब आगे कदम बढ़ाती है महिला तो पूरा निश्चय, दृढ़ निश्चय करके आगे आती हैं और मुकाम हासिल करके रहती हैं। और उसका एक मेरे को काफ़ी अच्छा तजुर्बा है, कहे कि मैं बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका और आदिवासी इलाके से आती हूँ तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है महिलाओं के लिए। बेसिकली अभी सभी बहनें बोले कि पहले तो घर से शुरुआत होना चाहिए, उसके बाद समाज, उसके बाद फिर सारे मतलब फील्ड। बिल्कुल, पहले घर के लोगों का सपोर्ट चाहिए, माँ बाप पति परिवार के सभी लोग, उसके बाद समाज। जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं उस समाज से डर ये रहता है कि शायद मैं कुछ गलती कर जाऊं तो मेरे को समाज बहिष्कृत कर दे, उसका भी बहुत बड़ा मतलब डर होता है। लेकिन परिवार साथ दे तो समाज भी साथ देता है, और समाज साथ दे तो पूरा देश समाज साथ देता है। बहुत अच्छी बात आपने कही गुमती जी। और इसमें जो जो मुद्दा है शायना के सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात के इस तरह से महिलाओं के लिए काम किया जाए कि वो आत्मनिर्भर हो ताकि उन्हें किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़े। और ख़ासतौर पर ये जो एक साल 2020 बीता है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, हम देख रहे हैं कि महिलाएं अलग अलग तरह से अपने आप को बिजी रख रही हैं, दे फाइंडिंग न्यू वेज ऑफ अर्निंग मनी, इंक्लूडिंग मेकिंग मास्क। जसलीन जी, द मोट पॉइंट इज दैट बेसिकली विमेन कैन मल्टीटास्क, ट्रिपल टास्क, कैन एड ऑन टू द किटी। एब्सोल्युटली, उसको आप बोलिए आप सुबह उठिए, खाना पकाइए, बच्चों को संभालिए, फिर काम पे जाइए, फिर वापस घर पे आइए, फिर वापस उनकी झिकझिक सुने या फिर पूरे परिवार को साथ मिलें, बच्चों की शिक्षा देखें, वो सिर्फ एक महिला कर सकती है। और ख़ास तौर से ये रोल मॉडल्स जब हैं तो मुझे लगता है एक एक को अपने निजी ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहिए। क्योंकि प्रियंका, मैंने देखा है कि राजनीति में जब एक लड़की या एक महिला या एक बुज़ुर्ग भी हो जो महिला है वो आगे बढ़ने जाएं तो कहते हैं कि ये तो बहुत अम्बिशियस है, इनको थोड़ा रोक दो। लेकिन एक पुरुष करने जाए तो कहते हैं वाह वाह देखिए उन्होंने क्या हासिल किया। तो आज के परिपेक्ष में आप आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र से गोमती जी आप भी आपके एक्सपीरियंसेस बताएं। मैं एज फार एज माई पर्सनल जर्नी इज़ कंसर्न, मैं कहूँगी जब मैं शुरुआत की थी राजनीति में, यू राइट, मेरे परिवार ने ही सबसे पहले कहा था कि तुम क्यों इसमें पढ़ना चाह रही हो, दो बच्चों की माँ हूँ, छोटे बच्चे हैं, तुम क्यों राजनीति में, तुम क्या चेंज कर लोगी? क्या चेंज करने आई थी राजनीति? मैं चेंज करने आई थी यही सोच कि महिला कुछ नहीं कर सकती हैं, महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती हैं, एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, पूरे देश ने वो देखा है। बिल्कुल, तो मुझे ये कहा गया था, डिस्करेजमेंट घर से शुरू हुआ था, फिर इनकरेजमेंट हुआ कि ठीक है अगर तुम्हारा ये ड्रीम है और तुम्हें कुछ करना है तो आप करिए, व्हाई शुड आई नॉट ओन माय एंबिशन, एब्सोल्युटली, एंड व्हाई शुड आई बी गिल्टी अबाउट माय एंबिशन, व्हाई शुड आई नॉट सेट माय टारगेट्स हायर एवरी सिंगल टाइम आई मूव अहेड। और क्यों नहीं महिला के मन में ये क्यों नहीं आना चाहिए कि तुम्हें इतनी ही गो गेटर शक्ति है जितनी आदमियों को सराही जाती है। तो हाँ, मेरे इस लाइफ में हुआ, मैंने राजनीतिक पक्ष में, जिस राजनीतिक पक्ष में थी उस राजनीतिक पक्ष में कुछ ऐसी काम हुए जहाँ पे ना आत्मसम्मान की जब बात आती है, हम बार बार सम्मान की बात करते हैं कि समाज में सम्मान मिलना चाहिए, तो जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे भी सम्मान मिलना चाहिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
वहाँ सम्मान नहीं मिलेगा तो हम अपने बच्चों के पास जाकर क्या कहेंगे कि हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर करके आगे बढ़ रहे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप महिलाओं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगी, क्योंकि आप महिलाओं आप एम्बिशन छोड़ दोगी, क्योंकि आप महिलाओं आप सिर्फ समाज सेवा के लिए ही पैदा हुई हो, कोई एम्बिशन के लिए नहीं पैदा हुई हो। तो ये मेरी फीलिंग है कि ये सोच बदलनी चाहिए कि अगर आप में ये है कि आप कुछ इच्छा शक्ति है कि आप कर सकती हैं तो उसको आपको डिनाई नहीं करना चाहिए एंड स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योर एम्बिशंस। दैट इज़ वन थिंग आई वुड वॉन्ट टू टेल एवरी सिंगल वुमन आउट देयर हु डज नॉट कम इन टू द पॉलिटिक्स विद दैट बिलीव कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बहुत कुछ कर सकती हैं, इच्छा शक्ति बनाएं। और ये जिंदगी के हर फील्ड में ये लागू होता है कि अगर आप अपनी एम्बिशंस, इफ यू रिस्पेक्ट योर ओन एम्बिशंस एंड यू वांट टू रीच आउट एंड द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स यू एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एम्बिशंस एंड एम्बिशन इन टर्म्स ऑफ करियर चॉइसेस। राइट, पॉलिटिक्स में आपको ये नहीं पता आप कल कहाँ होंगे, राजनीति में आपको ये नहीं पता है 10 साल आगे आप कहाँ होंगे, बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। हर महिला जब आकर घर से निकलती है वो इस हिसाब से जाती है कि करियर पाथ चोजन है, उसको पता है किस तरीके से हम सीईओ भी बन सकते हैं। वैसे तो मिड लेवल पे ही महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, इवन कॉर्पोरेट हाउसेस में मिड लेवल पे, पर उनको पता है इतनी सैलरी हमारे घर आ रही है, हम इतना मैनेज कर लेंगे, परिवार को मैनेज कर लेंगे, परिवार समझेगा, ये नहीं है। आपने जो एक बात की उससे मैं अनुप्रिया जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो बात की, क्या आप भी ये मानती हैं कि जब एक वुमन की एम्बिशंस होती हैं तो वो एक सॉलिटरी एम्बिशन नहीं होती है? मेल हैज़ अ सॉलिटरी एम्बिशन, मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन जब भी एक महिला बात इस तरह से करती है, प्रियंका जी ने भी ऐसे कहा, तो वो साथ में अपने परिवार को अपने आसपास वालों को भी उठाना चाहती है। डू यू एग्री विद दैट? ये बिल्कुल सच है जो प्रियंका जी कह रही है, महिलाएं अपनी महत्वाकांक्षा के बीच में भी अपने परिवार को कभी नहीं भूलती और वो बच्चों का भी ख्याल रखेंगी, वो परिवार के अन्य सदस्यों का भी ख्याल रखेंगी, वो जीवन में अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या अचीव करना चाहती है उसके लिए भी मेहनत करती है, तो वो होलिस्टिकली वर्क करती है। जैसे आप कह रहे थे ना मल्टीटास्क ट्रिपल टास्क, वो सब कर लेती है, इट्स अ नेचुरल ब्लेसिंग, हम सब कर लेते हैं, तो हमारी क्षमता होती है। डोंट यू थिंक अ वुमन हैज टू ऑलवेज बी एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी बिकॉज तो ये महिला दिवस जो है हमारे लिए 365 दिन, मुझे लगता है कि हमारी जितनी आप प्रशंसा करें और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में, आप बताइए कि कितना संघर्ष आपको करना पड़ता है डे इन डे आउट। मैं ये बताना चाहती हूँ कि संघर्ष तो बहुत संघर्ष है। आज मैं ग्रामीण इलाका से आती हूँ, दिल्ली से 2000 किलोमीटर अपना क्षेत्र पड़ता है, और आज मैं दिल्ली में हूँ, कल अपने क्षेत्र में 2 कार्यक्रम करना है जाके, इनके क्षेत्र 400 किलोमीटर का रेडियस, और 400 किलोमीटर के दायरे में मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, और दिल्ली से जाती हूँ भाग के, फिर दूसरे दिन मेरे को कार्यक्रम करने का होता है, वो भी जहाँ मेरा मतलब एयरपोर्ट सुविधा है वो 400 किलोमीटर पे है, 300 किलोमीटर पे है, 150 किलोमीटर पे है, तो वहाँ से जा करके फिर घर रिटर आना, फिर उसके बाद कार्यक्रम दूसरे दिन तुरंत उठ के जाना, ये भाग दौड़ है। पर हम गांव की हैं इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारते हैं, महिला है तो क्या हुआ। अच्छा, आपको देखकर आपकी गांव वाली जो और महिलाएं हैं वो तो बहुत प्रेरित होती होंगी कि हम भी ऐसे करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये प्रेरणा यही प्रेरणा देना चाहती हूँ गांव के महिलाओं को कि एक मतलब संदेश देना चाहती हूँ कि गांव के महिला लोग भी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो अपने बच्चे संभाल सकते हैं, बच्चे को संभाल करके गांव को भी संभाल सकते हैं, गांव के साथ साथ अपने जिला को भी संभाल सकते हैं, अपने जिला के साथ साथ प्रदेश को भी संभाल सकते हैं, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को भी संभाल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं आज वो जिस तरीके से काम कर रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, आप देखिए बड़ी तेजी से सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी दिया है, मैं उसमें सरकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से गांव के स्तर पर जिस तरीके से महिलाएं आगे आ रही हैं, आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, अपने परिवारों को भी संभालती हैं, अपने खेतों में काम भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, और अपनी इनकम जनरेशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी मेरे ख्याल से एक सरस
कि प्रदर्शनी भी चल रही है, नोएडा हाट में चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में वाराणसी में चल रही है, तो उसमें यदि हम जाकर देखें तो विभिन्न प्रदेशों से आने वाली महिलाएं किस तरीके से अपने उत्पादों को बनाकर, उनकी प्रदर्शनी लगाकर, और उनसे अगर आप बात करिए, संवाद स्थापित करिए, तो वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया है। तो जो गोमती जी कह रही है ये बिल्कुल सच है कि गाँव में भी हमारी महिलाएं काम करने में पीछे नहीं है और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करती हैं और बहुत कुछ बदलाव ला रही है। एक महिला खेत, मतलब घर से रह के खेत भी संभालती है साथ में, परिवार संभालती है, उसके बाद अपना जो प्रतिनिधित्व क्षेत्र की जो प्रतिनिधित्व करती है उसको भी संभालती है, और जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस संगठन से बिलोंग करती हैं, उस पार्टी का, उस संगठन का उस भी जवाबदारी संभालते हैं। दरअसल मैं उसी वैसे ही हम भी संभाल के आए हैं। जब भी मैं प्रतिनिधित्व करती थी, छोटा जन प्रतिनिधि, छोटे दायरे की प्रतिनिधित्व करती थी, उसके साथ साथ मैं संगठन का भी दायित्व तो संभालती थी भारतीय जनता पार्टी का। ये नहीं है कि खाली हम प्रतिनिधित्व का काम करते हैं, बिल्कुल। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि महिला चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। यानी महिला पार्लियामेंटेरियंस है वो सिर्फ टोकन नहीं है, नहीं। अपराजिता जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि एक कहावत है कि महिला जो है हमेशा कहती है कि मैं तो बेचारी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो न करते हुए ये कहना चाहिए कि डोंट प्ले द कंपैशन कार्ड, प्ले द कॉम्पिटेंसी कार्ड। डू यू बिलीव दैट देयर हैज़ बिन सम काइंड ऑफ प्रेजुडिस और सम काइंड ऑफ होल्ड बैक, और इज इट बेस्ड प्योरली ऑन टैलेंट? Today, on the occasion of the International Women's Day, I would like to make a very honest confession. Please do. All of you are my sisters, and a very honest confession I would like to make. राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, राजनीति में मैं बहुत नई हूँ, सीख रही हूँ, सबसे सीख रही हूँ, गोमती जी से सीख रही हूँ, अनुप्रिया जी से सीख रही हूँ, सबसे सीख रही हूँ। प्रशासन में मैं जब आई, उड़ीसा काडर मिला, मेरे पति मेरे बैचमेट हैं, और ये 1996 की बात है, 96 की बात है, मैं उड़ीसा काडर आई, मैं सब कलेक्टर हुई, वो नेबरिंग सब डिवीज़न के सब कलेक्टर हुए। एक दिन की बात है, मेरे सब डिवीज़न में आग लग गई, काफ़ी घर तबाह हो गए। सब कलेक्टर थी तो मेरा काम बढ़ा, और मैं रात रात भर सोई नहीं, और लोगों को राहत पहुंचाया, जो मेरा दायित्व था, जो मेरा कर्तव्य था, जो मुझसे मुझे लगता अपेक्षा की जाती थी, मैंने किया। उसके बाद मैं बड़ी खुश थी कि वहाँ के जो जिला मैजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर साहब हैं, वो मेरी तारीफ करेंगे। तो उसके दूसरे दिन कलेक्टर के पास हमारी मीटिंग थी, जिसमें दूसरे सब कलेक्टर्स भी आए थे और मेरे पति देव भी थे, और आप विश्वास नहीं करेंगी, कलेक्टर साहब ने मेरी बात सुनने से इनकार किया, और दूसरे सब कलेक्टर्स को कहा, जो मेल्स थे उन्हें कहा कि वो मेरे सब डिवीज़न में आएं और जो राहत का कार्य हो रहा है उसमें अपराजिता की सहायता करें। मैंने कहा, कलेक्टर साहब मुझे सहायता की ज़रूरत नहीं है, आप सुनिए मेरी बात, हमने क्या क्या काम किया है। उसके बाद यू नो दैट वॉज शॉकिंग एंड दैट वॉज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। यू आर टॉकिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, यू आर टॉकिंग ऑफ टैलेंट within a person, and I had started entire dialogue of mine with that, you know, tapping the talent and understanding the talent within us. So that was a turning point. I was new to Odisha, I did not know Odia. So, you know, I had to come up. I thought there was a question mark on my competence. And you know, everywhere, it's not a question of me or you, it's a question of all women. Whenever we are at the workplace, whether it is politics, whether it's administration or any profession whatsoever, there is always a question mark on the capability of the woman to deliver. Yeah, yeah. So here, for that matter, the woman has to put in double effort. Yes. So you know, I think from that day onwards, yeah, I started putting in lot of effort, tried to learn Odia, tried to learn everything, and today I'm the parliamentarian. So it has been a journey of sorts, and I've learned a lot, and it has been a great humbling experience too. Yeah. But what I'm trying to tell you is, I'm trying to reiterate, is that I think all women face the same, but it's up to us whether we are able to actually bring out that inner strength, which is very much there within each one of us.
And for that matter, I think all of us need to work collectively and think yeah. collectively and support each other. So it's so wonderful that this is the one panel where there are no arguments. There is a consensus on the cause of women. In fact, to you know, to endorse what you're saying, is baar ka jo theme hai International Women's Day ka, wo hai choose to challenge. Ki aap chunautiyon ka samna karo, kyunki chunauti hai, samna karenge, to hi to hume success milega. That's right, absolutely. Ami bhen, bhagya ka kya role hai? एक महिला के जिंदगी हाँ नहीं इट सम से इट इज डेस्टिनी सम से इट इज हार्ड वर्क आई से इट इज बोथ समवेयर देयर इज अ गॉड्स विश बट वेल आई वाज इन अ प्रोफेशन आई स्टार्टेड माय प्रोफेशन एज अ लॉयर देयर वर हार्डली एनी वुमेन लॉयर्स बट आई सेड कि मुझे तो वकील बनना है एंड आई वाज फैसिनेटेड बाय द प्रोफेशन सो आई टोल्ड माय मदर And she was my strongest support. You either you listen to your heart or you look at the society. Right. Just put in your 100%. 100%. 10 बार किताब पढ़ के जाना अगर अच्छा रहता है दो तीन चार साल try कर लो वरना कुछ और कर लेना. And after about 20-22 years, when the first interview came by a television channel, because from I was a resource person for many NGOs working only with women groups and cases also pertaining to women, they asked me the first question. कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि आपने कितना संघर्ष किया तो आई सेड बोथ योर क्वेश्चंस गलत हैं हम तो कहीं नहीं पहुँचे वही कुर्सी पे हैं हम हमारा काम कर रहे हैं तो आपका पहला सवाल गलत है दूसरा आप कहते हो कि आपने कितना संघर्ष किया अरे एवरीडे जैसे उठते हैं वहाँ से संघर्ष शुरू होता है चार रास्ते पे व्हेन आई एम गोइंग टू कोर्ट और एकदम से याद आता है कि मोटर का स्विच बंद रह गया है करना भूल गए हैं और 11 बजे केस निकलेगा और वो महिला आई है 50 किलोमीटर दूर से उसको अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए विच डिसीजन आई शुड गो बैक और आई शुड गो टू द कोर्ट वो एक सेकंड में जो डिसीजन लेते हैं तो वो काम आता है कोर्ट में जाके कहते हैं चलो मोटर दूसरी आ जाएगी पर वो केस का टर्न फिर 15 दिन के बाद आएगा So many decisions you take and then sometimes you think, हाँ God is helping, this destiny, you take, keep your presence of mind और आप जो करना चाहते हैं वही करो यानी जो जो destiny है वो तो है लेकिन destiny आप अपने hard work से बदल के जो भी चाहें उसको बना सकते हैं हम 100% डाल सकते हैं You can, people may say you are ambitious, you go on putting, put your sincerity, put your hard work और अपने रास्ते पे चलो I think somewhere if it pays, it's fine Then you say destiny ने मदद की पर नहीं करता है तो you shouldn't be frustrated. That is what I personally feel. Not that because we are a parliamentarian, पर कहीं ऐसा होता है कि इतनी मेहनत के बाद कभी केस हार जाते हैं तो फिर कहते हैं चलो आगे भी केस हार जाते हैं सुप्रीम तो फिर रोने धोने तो नहीं बैठ जाते हम उसमें से सीख के we try to work out for other cases. तो ये ऐसा है कि हाँ you shouldn't be deterred. चलते रहना यही तो गीता का सार है वो जो भी है पर आई थिंक दिस इज व्हाट आई हैव लर्न कि भैया हार जाते हो तो यू ट्राई अगेन यू ट्राई अ डिफरेंट वे आप उसको भी जिसके जिसका केस ज्यादातर आया है विमेंस केसेस आल्सो तो आई टेल देम वो तो उसका ज्यादा दुख होता है वो गांव से आई है उसको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं है फिर भी उसको कोर्ट में एकदम लैंग्वेज इंग्लिश है समझ में नहीं आता जो हम कहते हैं वो समझाते हैं वो समझती है फिर भी वो उसको उसका ट्रस्ट हम में है तो आई एम प्रैक्टिकली लुकिंग आफ्टर हर ट्रस्ट कि उसको क्या मिलेगा तो बहुत सारी जिम्मेदारी आती है फैमिली तो देखती रहती है कि दो बजे तक पढ़ते दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग सो आई थिंक फैमिली इज ऑलवेज देयर अदरवाइज वुमेन कैन नॉट रीच एनीवेयर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गोमती जी आपका कौन सा एक एक्सपीरियंस है आपके जिंदगी में जहाँ आपको लगता है कि आपने महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाया उससे सबसे पहले तो मैं महिला लोगों की जो सोच थी कि हम लोगों को घर से बाहर निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ी बात मैं कम पढ़ी लिखी हूँ कहे कि मेरे को उतना टाइम मिला नहीं कम उम्र में शादी हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कुछ काम करने के लिए कुछ बड़ा काम करने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं होता है उसके लिए तजुर्बा होना ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है अनुभव होना ज़रूरी होता है तो मैं सबसे पहले तो महिला लोगों का सोच ये अटाई लोगों के मन में कि कुछ भी काम करने के लिए कोई बड़ा काम करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता है आप ये संदेश ना दें हमारे जो बच्चे देख रहे हैं चाहते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत लेकिन ये जरूरी है लेकिन ये जरूरी है पढ़ना लिखना लेकिन जिस परिस्थिति से मैं आई हूँ पढ़ना चाहिए अभी लेकिन मैं
उस जमाने की जो महिला, जो मेरे बेच की महिला है, उनका सोच को मैं ये दूर की कि आप कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल. नहीं नहीं, योर लाइफ इज योर बिगेस्ट टीचर. नो वन सेइंग एजुकेशन एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस से मतलब सीख के आता है वो कुछ भी काम कर गुजरता है. और अनुप्रिया जी खत्म कीजिएगा. ये मतलब मैं लोगों के, महिला लोगों का सोच को थोड़ा बदलने के लिए प्रयास की और काफी हद तक बदले भी. और आज महिला गांव से, घर से बाहर निकल रही हैं, गांव से भी बाहर निकल रहे हैं, आज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं सब महिला लोग और अपने आत्मनिर्भर महिला बन गए हैं. और जरूरी ये नहीं होता है कि महिला अपना हस्बैंड कमा के दे तभी घर चले या रसोई मतलब चलेगा, ये नहीं. महिला खुद सक्षम है घर चलाने में, अपने बच्चों को पालने में भी खुद सक्षम. ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने. और क्या आप ये जानती हैं कि शायद आज के ही पेपर में था, there has been a survey that all the women CEOs of the various companies have brought in more returns to the company than the because males. They are intrinsically more conscientious in any field. Actually, मैं जब females have led so well during COVID as well. Absolutely. जब मैं गांव में थी, greater passion. Yes, yes. More focused. जब मैं गांव में थी तो मैं more organized. Yes. कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो शायद उस कुर्सी में, जैसे आप लोगों का प्रोग्राम होता था, मैं टीवी में देखती थी तो शायद इस कुर्सी में बैठने के लिए, इस जगह पे पहुँचने के लिए पढ़े लिखे की जरूरत, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है. तो मैं बहुत सोचती थी, लेकिन जिस तरह से मेरा संघर्ष, मेहनत और समाज के अंदर में अपना रेपुटेशन बनाना, ये मैं जो मेरा महसूस, मैं महसूस की अपने जीवन काल में वो यहाँ पर बहुत मैं बड़ा संघर्ष रहा होगा. बहुत बहुत बहुत, बहुत बड़ा. और जितनी खुशी आपको यहाँ आकर है, हमें भी है आपके लिए. इनफैक्ट उससे ज्यादा है कि आप हमारे साथ आज बैठ कर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर कर रही हैं. अब मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आकर के. और लोगों को मैं संदेश यही देना चाहती हूँ, महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ, कहे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. गोमती जी का पहला स्टूडियो इंटरव्यू पिछले हफ्ते था हमारे दीदी किसान पे, मैत्री महिला सांसद और उनकी कहानियाँ. अच्छा. और हम चाहते हैं कि हर एक महिला महिला से ही प्रेरणा ले. और अनुप्रिया जी, आपके कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको लगता है कि अभी तक हम नहीं कर पाए और करने की आवश्यकता है, हम सब यहाँ बैठे हैं जिसमें हम सब शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैंने जो बात पहले भी कही थी, जैसे प्रियंका जी से मैं अगर लाइफ जर्नी के पॉलिटिक्स को देखकर बात करूँ तो मेरा अनुभव थोड़ा भिन्न है. प्रियंका जी ने थोड़ा सा संघर्ष परिवार को मनाने में किया कि उन्हें राजनीति में जाना है. मेरा राजनीति में आगमन जो था वो मेरी योजना के अनुरूप नहीं था, ना मैंने कभी इसके लिए प्लान किया था, अचानक ही हो गया था. लेकिन चूंकि मेरी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है तो वहाँ पर मेरे लिए स्वीकार्यता का माहौल पहले से था, क्योंकि मेरे दिवंगत पिताजी ने ही इस पार्टी की स्थापना की थी. और अगर मैं परिवार की दृष्टि से बात करूँ तो मुझे लगता है कि राजनीति में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ उसके लिए माय हस्बैंड हैज़ बीन द बिगेस्ट सपोर्ट. मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे लिए टारगेट्स वो बनाते रहते हैं कि अभी ये तो इसके बाद ये. मैं उतनी दूर तक कम सोचती हूँ, तो उस दृष्टि से मेरा अनुभव थोड़ा भिन्न है. और क्योंकि मेरी पार्टी में अभी जो मैंने महसूस किया कि कार्यकर्ता पदाधिकारी पुरुष हैं, महिलाएँ भी हैं, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनका बहुत सपोर्ट भी मिलता है. तो इसलिए मैंने कहा कि हर जगह वो इनसिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन हाँ, जहाँ दूसरी पार्टी के पुरुषों से पाला पड़ता है तो वहाँ ये वाली समस्या आ जाती है. मेरी अपनी पार्टी में तो मैं नेता हूँ तो मेरे लिए पूरा सपोर्ट है, लेकिन हाँ, जो बात आपने कही वैसी है. और मुझे लगता है बदलने की दृष्टि से, जो आपका मूल प्रश्न था, हमें क्या बदलने की जरूरत है, घर के अंदर की सोच जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, और दूसरा राजनीति के अंदर अभी भी महिलाओं की जो भागीदारी है वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए. जो प्रियंका जी बार बार अपने भाव को रख रही हैं कि 50% आधी आबादी है तो आधी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और इसमें समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे. जैसे महिलाओं को आप देखिए कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशंस आसानी से नहीं मिलेंगी. चुनाव लड़ना है तो टिकट के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. वो सीट किसी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में भाषण देना है तो महिला को बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. पार्लियामेंट में मैं कहूं कि बोलने का समय तो
निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना समय होता है किसी भी डिबेट में, लेकिन हर मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कह रही हूँ, किसी एक पार्टी के लिए नहीं जी, कि अक्सर महिलाओं को बढ़ रहा है, इस बार हमारे स्पीकर साहब परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को बोलने के मौके कम मिलते हैं और उनको जल्दी बैठाने का प्रयास किया जाता है। पुरुष का माइक, आप बोलिए, बैठ जाइए, समय कम है, वो बोलते रहेंगे, उनका माइक बंद नहीं होगा, बोलते रहेंगे। महिला को बोलेंगे तो चाहेंगे कि एक बार में बोल दिया है तो बंद होके वो बैठ जाए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वही जो माइंडसेट वाली बात है कि महिला को बिठाना आसान है, पुरुष को बिठाना आसान नहीं है, पुरुष को अपना बोलता रहेगा, थोड़ा सा हमें वो परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि अक्रॉस पार्टी लाइंस एक कमिंग टुगेदर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हो, कि विमेन पार्लियामेंटेरियंस कहें कि ये हमारी समस्याएं इन पार्लियामेंट है, इसका तो हल होना चाहिए, पार्टी चाहे कोई भी हो। हाँ, ये एक बात करने की एक ये है, पहल करनी पड़ेगी कि भाई अभी जब विमेन आती है अपना खुद का मेरिट्स लेके आती है तो उनको ये ज़्यादा अवसर मिलना चाहिए। ये जो उन्होंने बताया एकदम सही है कि बैठने को बोल जाते तो विमेन वैसे भी देर आई थिंक लॉ अबाइडिंग लेट मी टेल यू, तो बैठ जाते कभी दोबारा ना कहे, पर मेल तो चालू ही रहते हैं बोलने में, तो उनको बिठाया नहीं जा सकता है। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद मुझे लगता है देर विल बी डेफिनेटली अ चेंज व्हेन वेमेन आर एसर्टिंग themselves, वो ऐसे पॉइंट्स रख रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं कि सब सुनना चाहते हैं कि नहीं इसमें ये बात में थोड़ा वजन है, वेट है, चाहे वो प्रैक्टिकल बात करें। तो मुझे लगता है हर चीज़ में जैसे समय लगता है तो थोड़ा समय इसी में लगेगा, लेकिन ऑल द वेमेन पार्लियामेंटरिज्म साथ में मिलते हैं तो लगता नहीं है कि कोई अलग अलग पार्टीज है, क्योंकि समस्या सारे समझते हैं, सारे वेमेन पार्लियामेंटेरियंस, और सारी समस्या का हल भी वो जानते हैं, पर अभी कैसे वो हल निकालना उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे थोड़ा समय जाएगा, मुझे लगता है शायद इसी कार्यक्रम के जरिए आपको एक हल मिले। हाँ, श्योर। अपराजिता जी, क्या इज पॉलिटिक्स अ मेंस क्लब? वोंट से दैट, डेफिनेटली नॉट, थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड बी पॉजिटिव एंड ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क टुगेदर, I think for the cause of women, not only women but also men should come with women to work for the cause of women. And I think women can connect with one another in a much better manner that men can do with men. So I think women of course have more of the responsibility. All of us cutting across party lines, all the women should come together and think collectively for the cause of women, and we must take the support of men. And men in fact are extremely supportive, many of the men are very supportive and they want women to come forward. So I think with a very positive mindset we should seek, we should solicit, we should request for the support of men folk. And I think there is absolutely no problem, we are moving, a sky is the limit, we must reach it. Absolutely. Why don't you host such a show and call all the male MPs and you know let them speak what exactly they need to change about their own behaviors and attitudes to make world a better place, at least a parliament a better place for women. I had also suggested this, that we should form a caucus beyond our political affiliations as members of parliament, in legislative assemblies, and become a collective voice. Collective voice. Till you are not, till you're divided by your political ideas and beliefs, till then you, as much as you might keep, you know, flapping. What I like about this show is that today we didn't talk about politics. I mean, cutting across party lines. But today is International Women's Day. That's it. The cause of women is way above politics. Perfect. In any Absolutely. Sense. I agree. But I like what Priyanka said, that we should have called male parliamentarians on the occasion of International. Anupriya said that on this occasion, to have male parliamentarians here and give their opinion. So I think it's only befitting to ask this question to all of y'all. Who is the support system? Very quickly, if you all can all answer. I think the first support system is the family. Okay. And the family trusts you more than 100%. And the second is that when that woman comes out with that trust, she has a confidence, a different confidence. And then the society has to accept that. But the woman has to prove herself. So burning the midnight oil, I think that's right. another support One system. One has to work very hard. Which the woman has to create for her own self. Right. Ke 2 baje tak padna padega. Tabhi main काउंटर कर पाऊंगी। सो दैट सपोर्ट सिस्टम इज आई थिंक टेक्स द वुमन फॉरवर्ड। यू नो व्हाट, ऑल हैव टू वर्क इन टैंडम। इफ वी हैव टू एक्चुअली एंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वुमेन कम फॉरवर्ड, इट्स द फैमिली, इट्स द वुमन,
it's the society and it's the overall culture, overall environment. Would it be the same for you, Priyanka? My family, definitely. No, to, including my two children, young children. Absolutely. I think it's me first and my family. And do you think people make you feel guilty sometimes, to both of you all? Do you think that people say that, oh, ye to bahut ambitious hai, bahut zyada kar rahi hai, abhi bas, ho gaya. हो गया बहुत बोल दिया तुमने अब जगह पर बैठो लाइक सिट डाउन आप बैठ जाइए नो नो ऑफ कोर्स देयर इज दिस गिल्ट ट्रिप दैट हैपेंस मेनी टाइम्स आई थिंक बट इट्स हाउ यू एक्सेप्ट इट यू आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हम सब कहीं ना कहीं प्रिपेयर होते हैं कि जैसे ही हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में जाएंगे तो ऐसे ऐसे कुछ अनकंफर्टेबल करने वाले प्रश्नों का हमें सामना करना है And each one of us knows it. We are well prepared. We and are we well just prepared. Take it in a stride. Perfect. Yeah. Yeah. Have, आप पूछो, yeah. हमारे पास जवाब हाजिर जवाब One thing, Shaina ji, that is absolutely one working woman has to face is free advice. Yeah. From all quarters. Good one. And for no reason. कि आपको क्या जरूरत है ये करने की आप क्यों काम करने को निकले हैं और आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है आपके घर की देखभाल कौन करेगा वाई आर यू वॉरिड ये जो फ्री एडवाइस जो मिलती है हर क्वार्टर से वो बंद करना बहुत जरूरी है उसमें ऐसा होता है कि ज्यादातर टू मच ऑफ जजमेंटलिज्म मुझे लगता है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम सबको रिजॉल्व करना चाहिए दैट इफ वी एट ऑल डू इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वी मस्ट शेड इट एट एनी कॉस्ट बिकॉज जजमेंटलिज्म का जो ये प्रॉब्लम है ये हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करता है हैशटैग स्टॉप बीइंग जजमेंटल यस बिकॉज़ दे हैव नॉट वॉक्ड योर पाथ फॉर देम टू सिट एंड जज यू I think it's the most unfair treatment that can come from anyone. Yeah. I totally agree with her on this. Totally. In fact, for most women, I think they face this. We face it here as broadcasters. The men are professionals. The women who come here, आप और क्या करते हैं? Meaning this can't be your man. You know what? बनाते हैं. वो सबसे जरूरी होता है. All of us, many of us might have read Maya Angelou. Right. Yes, yeah, of course. Yeah, yeah. You may shoot me, you may kill me, you may look at me with hatefulness, but still like air, I will rise. Yeah, absolutely. So that's how it is. और गोमती जी, yes. आपके क्षेत्र में आपके पति का बहुत योगदान रहा है. जी, मेरा पति का योगदान तो है और हमेशा रहेगा तभी आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ. लेकिन एक बात जरूर कहिए सबको कि आपके पति आज तक दिल्ली नहीं आए हैं. बिल्कुल. आज तक मेरे हस्बैंड वाकई में मेरे साथ दिल्ली वो नहीं आए हैं. दो साल होने जा रहा है लेकिन आज मेरे परिवार के लोग दिल्ली में कोई नहीं रहते हैं. मैं अकेला आती हूँ, अपना काम करके चली जाती हूँ, फिर अकेला आती हूँ. ये मेरा घर, मेरा परिवार का ये सपोर्ट रहा है. बहुत अच्छी बात है. तुम्हारा काम है, तुम अपने से करो, सीखो और लोगों का सेवा करो. ये आपके अंदर की शक्ति है. ये मैं तो हमेशा से यही मानती हूँ कि मतलब महिला का इच्छा शक्ति होना चाहिए और कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना बड़ा नहीं होता है. शर्म कभी नहीं आना चाहिए महिला, मतलब किसी भी व्यक्ति को कि ये छोटा काम है, मैं नहीं करूं, मेरे को नहीं करना चाहिए, इससे दूसरा काम करना चाहिए. और मैं आपको बता दूं कि फार्मर्स इशू पे अपने एरिया में उन्होंने बहुत अच्छा बहुत काम अच्छा किया है. फार्मर्स इशू और साथ साथ उन्होंने ये भी समझाया है कि कैसे एक जंगल में रहते हुए हर दिन 400 किलोमीटर जाना, प्रवास करना, एक दिन करे तो बड़ी बात लेकिन रोजाना करना और परिवर्तन लाना, मुझे लगता है कि मूल रूप से पंचायत से पार्लियामेंट आप एक प्रतीक हैं. सीखने वाली बात. पर शाइना जी, ऑन अनुप्रिया जी थिंग, आई थिंक यू शुड हैव अ सेपरेट समडे डिस्कशन ऑन लेट ऑल मेन स्पीक अबाउट इट ऑन जज बीइंग जजमेंटल. सी यू, व्हेन यू आर अ वर्किंग पर्सन यू हियर दिस. And there are, I mean, not all people become bold to ask you this, but there are a few who take this liberty. So then you have to say, you know the saying, charity begins at home. So let's start from your side. Then you can pass judgments on others because I think somewhere you have to put your foot down. No, but this is a matter for debate, I think. It's fine. But then it all depends on us, how we react to it. Yes. That's also true. Saina ji, ek hamesha ek kahawat hota hai. Bhagawan bhi usi ko saath deta hai, jo khud ko saath deta hai. Totally sahi. Sach. Destiny and karma. Has there ever been any sense of character assassination that has troubled any of you all? अभी तक तो नहीं, लेकिन ये होता
इसका समय आता सबके जीवन में जरूर है. तो मुझे लगता है कि आया नहीं तो आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर. I have decided that at least 5 years before I die, I will write an autobiography, and this will have a very prominent chapter on how easy it is and how easily you become a part of character assassination, and how grapevine stories are created, and how you are tried to pull down with these kind of stories. I have faced, while Anupriya has been lucky that she did not face something like that, I have been on the unluckier end where I faced tons of it, in terms of whether it is through social media platforms, it is through political party systems, where rumors begin and they turn out to seem to be true. Mm-hmm. They make it sound that it's true. Yeah. So 100 lies spoken 100 times over becomes the truth for many. So yeah, I have been a victim of that as well. But I wouldn't call myself a victim. I would say that I have also challenged. You're not a victim. Don't use the word victim. Yes. So I correct that. I'll correct that, and I'd say I refuse to be bowed down by the kind of character assassination that came my way, because I'm I'm the maker of my own destiny, and I will choose what to react on. So this leads me to the next question. आप में से कुछ हैं जो जैसे गोमती जी हैं क्वाइट हैं, सम पार्लियामेंटेरियंस और सम विमेन प्रोफेशनल विमेन आर मोर असर्टिव. डू यू थिंक दे फेस मोर फ्लैक? नो, आई डोंट थिंक सो. बट व्हेन यू आर गिविंग सम काइंड ऑफ अ गुड सब्सटेंस बैक्ड बाय प्रॉपर मटेरियल, आई थिंक दे माइट बी स्पीकिंग एट द बैक, बट दे कैन नॉट practically break what we have spoken, because when we are speaking, we are giving real good points, and we are talking the truth, mm-hmm. and from experience and from knowledge. So I don't think so. They may be doing at the back, but then you have to consider it to be absolutely their ignorance. See, we ought to be polite. All of us are polite, but we need to be assertive. Mm-hmm. I won't say aggression is the right word to be used or right kind of behavior. But moment एक महिला जो आगे बढ़के कुछ बोलना चाहती है बार-बार, कहते तो हैं कि ये तो बहुत असर्टिव है, इनको चुप कर दो, उनको बिठा दो. नहीं, लेकिन देखिए, उसमें मैं एक बात बताऊं, तथ्य होना चाहिए और तर्क होना चाहिए. अगर आपके पास ज्ञान है, अगर विषय पर आपकी पकड़ है और तथ्य है और तर्क है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको चुप कर सकता है, और यू विल शाइन आउट इफ यू हैव द टैलेंट. जसलीन जी, मैं जरूर पूछना चाहती हूँ सबको कि उनकी हॉबीज क्या है, क्योंकि ये प्रोफेशन राजनीति के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है. चलिए गोमती, हाँ, जी, yes, गोमती. आपका क्या है? आपको समय hobby? मिलता है हॉबीज के लिए? बिल्कुल, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को चावल खाना बहुत पसंद है और बच्चों के साथ खेलना पसंद है. आज भी मैं टाइम निकाल करके सुबेरे 5:30 बजे उठ जाती हूँ, तो हमारे घर के बच्चे लोग सुबेरे 5 बजे उठ जाते हैं सब लोग, तो एक घंटा उन लोगों के साथ खेलती हूँ. फिर अपना जो आज तो सांसद बन गई हूँ, तो थोड़ा मतलब कृषि कार्य करने में थोड़ा सा नहीं हो पाता है, पर इससे पहले मैं कृषि कार्य में 2 घंटा टाइम देती थी. अपना बगान साग धान चावल ये सब वो करने में 2 घंटा देती थी. फिर अपना राजनीति मतलब फील्ड में आती हूँ, तो फिर 10 बजे से जनदर्शन शुरू हो जाता था, लोगों के पास जाना फिर वो मेरे पास आना, फिर 10 बजे के बाद अपना ऑफिशियल टाइम जिला पंचायत, इससे पहले मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी. हाँ. तो 85 किलोमीटर अपने घर से अपना डिस्ट्रिक्ट पड़ता था. अच्छा. तो 85 किलोमीटर में 10 बजे निकल जाती थी और 1.5 घंटा में ऑफिस जाके ज्वाइनिंग कर बैठती थी, फिर लोगों का समस्या सुनती थी. ये मेरा हॉबी शुरू से रहा है और आज भी वैसे ही चलता है. So nice. अनुप्रिया जी, आप? मुझे गाना बहुत पसंद है. अरे वाह, दिन भर गाती हूँ. और आई डू कुकिंग, आई लव इट, आई एंजॉय पुडिंग. सो कुछ बाकी सुना दीजिए. बिल्कुल, मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा तो गा दूंगी. पानी मिल जाए तब तक प्रियंका, ये लीजिए, ये है पानी आपका. हाँ, रखा हुआ है, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है. लीजिए. अच्छा, यू हैड. Thank you. Are you singing? No, you talk. नहीं, आपने पानी पी लिया, गला तर हो गया. तब तक मैं सोच लेती हूँ, तब तक ठीक है. I don't think I have a hobby per se, but I'm very passionate about reading, and every single minute that I get free time,
I tend to read a lot. I also write quite a bit. So like I said, my autobiography, I agree. Acha? Oh, wow. So that's what kind of stuff do you like to write? Do you blog or is it poetry? No, I used to write a lot of, I used to write on books as well. I write on a lot of topics, but right. mostly, like I said, autobiography was a joke. But whenever I do write, it would be something which is more lighthearted, more fun, where women can connect with each other and realize that we've all gone through the same cycle of struggles and reached where we are. Aparajita ji. Interior decoration. Arre wah. Had I not been in politics, had I not been in administration, I would have been a class one interior decorator in the country. Wow, so I love it. That I love your confidence. Aap sab aaye aur mera ghar dekhen. Okay. मैं बुलाऊंगी, मैं बुलाऊंगी, मेरी गलती है. और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. आई कीप रीडिंग एंड आई लव टू हैंडल टैंट्रम्स ऑफ माई चिल्ड्रन. अरे वाह. लॉट्स ऑफ टैंट्रम्स. आई एनकरेज देम टू थ्रो टैंट्रम्स, यू नो. आई लव टू बी विद द किड्स एंड देन आई लव टू हैंडल दोज टैंट्रम्स. So I think it teaches you patience, huh? Patience, yes. And exactly. It's a very unusual hobby to very have. Very unusual hobby to have. But then, you know, I encourage them. I always feel that, you know, childhood must be lived. Right. So I encourage my children to remain children, you know. Sometimes I don't want them to grow, actually. So I handle. So that's a great thing. Yes, I love gardening. Oh. I do cooking, but I don't get time these days. And reading, of course, I snatch time to read. But anyway, lawyers have to read a lot. But that is all kind of cumbersome. The other reading is kind of relaxing. And Jasleen ji, I love to drape the sari in 50 times. On that note, I think Anupriya ji is all set to sing. I'll just sing two lines and I'll sing it for all of us. Kuch to log kahenge लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं भूल न जाए जीना कुछ तो लोग कहेंगे. Lovely. Wow. Fantastic. I changed the lyrics to suit us all. Yes, I saw that. Good one. Very relevant. Very relevant. आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. अच्छा, क्योंकि हम प्रोग्राम के अंत की तरफ जा रहे हैं, आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन आपके मन में कोई एक ऐसा बात है जो आप कहते हैं कि आज मैंने ये ठाना, ये करना है, या कोई मैसेज है बाकी महिलाओं के लिए जो पॉलिटिक्स में है या दूसरे क्षेत्रों में है? पहले गोमती जी आप बताइए. मैम, बहुत अच्छा सवाल किए. आज के दिन, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है. मैं भारत के बेटियों और महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिला को हमेशा अपने लक्ष्य लेकर चलना चाहिए. हाँ. कि वो क्या काम करना चाहते हैं. निश्चित है, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है. ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती. अनुभव प्रिया जी, आप. मैं आज के इस दिन हर बेटी से, हर लड़की से, हर महिला से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लव योरसेल्फ. अपने आप से प्यार करो, अपनी इज्जत करो, अपने ऊपर विश्वास करो. क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं, खुद की इज्जत करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं, तो पूरा ज़माना आपको प्यार देता है, आपको इज्जत देता है और आपके क्षमताओं का लोहा भी मानता है. आप खुद से प्यार नहीं करेंगी तो दुनिया में प्यार नहीं मिलेगा. खुद को सम्मान नहीं करेंगी तो कोई और आपकी इज्जत नहीं करेगा. और आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो कोई भी मैजिक स्टिक घुमाकर आपके अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकता. लव योरसेल्फ फॉर बीइंग अ वुमन. Trust your capabilities and always respect yourself. It is the gift of God that we are born a woman. I love myself and I tell you the same. ये बहुत अच्छी बात आपने कही. ये सच में it's a gift of God कि हम महिला के रूप में पैदा हुए हैं. And just like Mother Earth gives and nurtures, that is our role on this earth. What will you say, Priyanka? All I'd like to say is there's this very good quote I read somewhere. What use are the wings if you don't use them to fly? Wow. As a woman, you have everything within you. Use that to create history for yourselves and reach your destiny and reach your goals. That's absolutely all. And never, never, ever give up. And find your wings. And find your wings. Shaina?
मैं तो यही कहूंगी कि आज के दिन और हर दिन महिला महिला का समर्थन कीजिए, पुरुष महिला का समर्थन कीजिए, और सम्मान के साथ साथ शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। वेरी वेल सेड। आमी जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो हर एक महिला को ये कहूंगी कि पहला प्राधान्य शिक्षा को दे, वो शिक्षा उसको सक्षम बनाती है, चाहे स्कूल की शिक्षा ले, आगे कॉलेज का चांस मिले तो कॉलेज की शिक्षा ले। और दूसरा, मैं ये खास आज मैसेज इतना देना चाहूंगी कि जितनी सशक्त महिला है, मेरा मैसेज हमेशा ये होता है, जितनी भी सशक्त महिला है वो कोई और दो महिला का, एक लेफ्ट हैंड से और एक राइट हैंड से, इतना भी मदद करेगी तो मुझे लगता है और ज़्यादा महिला सशक्त हो जाएगी और अपने आप आगे बढ़ने का सीख लेगी। सही कहा आपने, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन हैज टू बी अ वुमन। आप क्या कहती हैं? मेरा एक आग्रह है सबसे, लुई एल हे की एक किताब है, यू कैन हील योर लाइफ, राइट। जिसे भी ये किताब हाथ लगती है उसे जरूर पढ़ें। हमारी जितनी बहनें हैं, मैं तो अनुरोध करूंगी कि आज ही जाकर बुक स्टैंड से लेकर पढ़ लें, जीवन का सार है। मुझे लगता है वी हैव टू बी प्राउड दैट वी आर वीमेन, गर्व करें कि हम महिला हैं। हम खुश रहने का निर्णय लें, सुंदर दिखने का निर्णय लें और खुशी फैलाने का निर्णय लें, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीने का निर्णय लें, और मुझे लगता है कि खुद को प्यार करें। जब तक हम खुद को प्यार नहीं करेंगे, हम प्यार नहीं बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा आत्म केंद्रित हों, और अगर हम आत्म केंद्रित होंगे तो ही उसके बाद ही हम समाज की तरफ मुड़ सकेंगे और समाज का हाथ पकड़ सकेंगे। तो मुझे लगता है वी ऑल नीड टू बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, वी नीड टू लव आवरसेल्व्स, एंड वी हैव टू डिसाइड टू बी हैप्पी एंड लुक गुड। एब्सोल्युटली, आई थिंक वी आर ऑल लुकिंग गुड। शायना, अगर मुझसे पूछा जाए तो आई वुड से एक ऐसा दिन आए जब हमको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि ये मुद्दा ही ना हो कि वुमेन नीड इक्वल राइट्स। It would be a part and parcel of our lives, absolutely. Of society. I think that starts with being non-judgmental. Right. And really, if we don't pass judgment on each other or on the career paths or the choices, a step in the positive direction. So on that note, let's take leave from all our guests, Ami Ben, Apya Rajata Ji, Gumti Ben, Anupriya, Priyanka Ji, and of course, Shaina and I. We'd like to thank all of you for joining us, and एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। देख रहे हैं DD नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।